हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं बेबी कॉर्न मंचूरियन बना रही हूँ। इसके लिए मैं बेबी कॉर्न लूँगी, एक गाजर, पत्ता गोभी, और कैप्सिकम। अब हम बेबी कॉर्न को अच्छे से क्रश कर लेंगे, सबको ग्रेट कर लेंगे इसे अच्छे से, गाजर को, कैप्सिकम को। अब हम गाजर, पत्ता गोभी, प्याज और बेबी कॉर्न को क्रश कर लेंगे। 4 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो हाथ से पीस के डाल सकते हैं, मैंने पैकेट वाला यूज़ किया है। अब हम कढ़ाई मेरी फाइन गरम होने के लिए रख देंगे। इसमें हम अच्छे से आधी चम्मच के हिसाब से हम लहसुन दे देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक एक बॉल उतार लेंगे मंचूरियन। ये बॉल हमारे फ्राई हो रेडी हैं। अब हम चॉप किए हुए लहसुन को लेंगे, प्याज को चॉप कर लेंगे, धनिया पत्ती और कैप्सिकम को भी चॉप कर लेंगे। इधर हम सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, वेनेगर और टमाटर सॉस लेंगे। 4 चम्मच टमाटर सॉस, आधा चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच हम चिली सॉस लेंगे इसमें। अगर आपके बच्चों के लिए बनाना है तो इसमें मिर्ची नहीं दें, हरी मिर्ची नहीं तो आप दे सकते हैं। अब इसमें हम वेनेगर डाल देंगे, तीखी आप अपने हिसाब से दे दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के रख देंगे इसे साइड में और इसे हम मिक्स कर लें। अब इसी रिफाइन में जिसमें हमने बॉल को उतारा उसमें हम लहसुन को डाल देंगे। जब लहसुन हल्के से ब्राउन हो जाए तब इसमें हम प्याज को दे देंगे और प्याज दे के इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें कैप्सिकम को डालेंगे और डाल के इसे अच्छे से मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए इसे भूंज लें। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक देंगे। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्ची देंगे 1 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर दें और थोड़ी देर के लिए और भूंज लें इसे। अब इसमें हमारी खुशबू आने लगी है, पक गया अच्छा से। इसमें हम जो सारे सॉस मिलाए थे उसको डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर का जो घोल डाले थे वो डाल देंगे और ये खाने में काफ़ी यमी लगती है। मेरे घर में गेस्ट आने वाले थे, मैंने इसे बनाया है। किसी ने इसे चाउमीन के साथ खाया तो किसी ने इसे चावल के साथ खाया है। अब हम 1 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती दे देंगे। और अब हम इसमें उबाल आ गया, अब हम इसमें मंचूरियन के जो बॉल हमने बेबी कॉर्न के बनाए थे वो डाल दिए। ये बेबी कॉर्न का बॉल खाने में काफ़ी यमी बना था और ये चावल के साथ भी काफ़ी यमी लग रहा था और चाउमीन के साथ भी। और ये हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और ये काफ़ी यमी है, एक बार ज़रूर इसे बना के ट्राई करें। और ये हेल्दी भी है क्योंकि बेबी कॉर्न हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसे मैंने फ्राइड राइस के साथ में सर्व किया है और चाउमीन के साथ भी सर्व किया है। आप जैसे खाना चाहें वैसे आप प्रिपेयर करें इसे। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और काफ़ी यमी, एक बार ज़रूर बना के इस तरह से ट्राई करें। और ये मेहमानों के लिए काफ़ी अच्छा नाश्ता भी है।